आज के एक्सेल के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे डाटा फिल्टर ऑप्शन के बारे में, जो मिलता है आपको यहाँ पे डाटा टैब में, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको फिल्टर का ऑप्शन। इस फिल्टर के ऑप्शन की मदद से आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, मतलब अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से ही अपने डाटा को देखना है तो आप डाटा फिल्टर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आज इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आपने इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है और अपने डाटा को कैसे फिल्टर करना है। तो दोस्तों पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यहाँ पे डाटा फिल्टर्स के बारे में। और डाटा फिल्टर समझाने के लिए दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे डाटा प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए, ताकि मैं अलग अलग तरीके से आपको समझा सकूँ कि आप डाटा फिल्टर को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब देखिए डाटा फिल्टर समझने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि आपने फिल्टर को एक्टिवेट कैसे करना है। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे फिल्टर को एक्टिवेट करना है तो उसके तीन तरीके हैं। फर्स्ट तरीका और सबसे आसान तरीका वो है कि आपका यूज़ करना है शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की जो आपकी डाटा फिल्टर एक्टिवेट करने के लिए होती है वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन। तो आप देखेंगे आपका फिल्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, और दोबारा अगर आपने डीएक्टिवेट करना है तो अगेन प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट और एल, तो आपका फिल्टर यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया है। दूसरा तरीका यह है कि आप जस्ट यहाँ पर जाइए अपने डाटा के टैब में और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको फिल्टर का, तो आप देखेंगे आपका हेडर रो में फिल्टर एक्टिवेट हो गया। और दोबारा डीएक्टिवेट करने के लिए जस्ट जाइए डाटा टैब में और अगेन फिल्टर पर क्लिक करिए, तो आप देखेंगे आपका फिल्टर डीएक्टिवेट हो गया है। और थर्ड और फाइनल तरीका जिससे की मदद से आप यहाँ पे अपने डाटा फिल्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं वो होता है आपका यहाँ पे प्रेस करिए ऑल्ट बटन। तो जैसे ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे सजेशंस मिल जाएंगे कि आप कौन से टैब में जाना चाहते हैं और कौन से टैब में जाने के लिए कौन सी की प्रेस करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा टैब में जाना चाहता हूँ तो जस्ट मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे ए बटन। ए बटन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो जिसके लिए मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे टी बटन। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका फिल्टर एक्टिवेट हो गया है। और दोबारा आपने डीएक्टिवेट करना है तो जस्ट प्रेस करिए ऑल्ट बटन, ए बटन और यहाँ पे टी बटन, तो फिल्टर आपका डीएक्टिवेट हो गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे फिल्टर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे फिल्टर को एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की यूज करता हूँ, जो कि होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट और एल। और आपने भी याद कर लेनी है, जब भी आपने फिल्टर एक्टिवेट करना है तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अलग अलग तरीके से फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपके सामने डाटा में कोई डेट्स है और डाटा के डेट्स के अकॉर्डिंगली आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे देखिए एरो की पे क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सॉर्ट डाटा ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड सॉर्ट डाटा न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। मतलब अगर आप डेट जो ओल्ड वाली डेट है वो टॉप पे देखना चाहते हैं और न्यू वाली डेट लास्ट में, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप यहाँ पे नई वाली डेट ऊपर देखना चाहते हैं और ओल्ड वाली नीचे, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे सारे ईयर्स के कि आप कौन से ईयर का डाटा देखना चाहते हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2020 का डाटा देखना चाहता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे सारा डाटा अनचेक हो गया है। और जैसे मैं यहाँ पे 2020 के डाटा पे क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा में 2020 का डाटा ही आया है। और अगेन आप इस डाटा को क्लियर करना चाहते हैं, मतलब सारा डाटा दोबारा देखना चाहते हैं, तो जस्ट आप इस एरो की पे क्लिक करिए और नीचे ऑप्शन होता है क्लियर फिल्टर फ्रॉम हायर डेट, आप इस पे क्लिक करिए तो आपका डाटा में जो फिल्टर था वो क्लियर हो गया है। इसी ढंग से दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जो भी आप ईयर देखना चाहते हैं वो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और अपना डाटा देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स भी होता है, मतलब अगर आपके सामने बहुत सारे ईयर है और आपको दिख नहीं रहे यहाँ पे कौन से ईयर आप ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ 2009 का डाटा तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा 2009, तो आप देखेंगे 2009 यहाँ पे लिखा आ गया है। और जस्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डाटा अनचेक हो गया है, और 2009 पे ही क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा 2009 का यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एडवांस तरीका जिसकी मदद से आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं डेट के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर आपके पास दो डेट्स है, मतलब अगर आप देखना चाहते हैं 2017 और 2020 में कौन कौन सा यहाँ पे डाटा है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ पे जाना है जस्ट एरो की पे और नीचे जाना है यहाँ पे डेट फिल्टर में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको बिटवीन का। वैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, आप इनको यूज करके देख सकते हैं और अपने डेट को फिल्टर कर
सकते हैं। लेकिन अभी देखिए हमें यहाँ पे दो डेट्स के बीच में अपना डाटा ढूंढना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे बिटवीन पे क्लिक करता हूँ। अब आपसे पूछेगा कि आपने कौन से डेट में डाटा ढूंढना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 2017 में देखना चाहता हूँ 1 जनवरी से, तो जस्ट मैंने लिखा 01/01/2017, मतलब 1 जनवरी 2017 से लेकर मैं 1 जनवरी यहाँ पे 2022 तक का डाटा देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सा डाटा है। और जस्ट मैं प्रेस करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा डाटा डिस्प्ले हो गया दोनों डेट्स के बीच में। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे डेट फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि हमारा सारा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे फिल्टर करना है अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास नंबर है यहाँ पे एज का, ठीक है, एज में हमने डिफरेंट एजेस लिखी है और हम फिल्टर करना चाहते हैं अपना डाटा एज के अकॉर्डिंगली, तो वो भी आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करूंगा एज के फिल्टर पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब जैसे कि यहाँ पे डेट के फिल्टर में यहाँ पे लिखा आ रहा था ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, अब जैसे यहाँ पे एज पे गए तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखा आ रहा है, क्योंकि ये वाला डाटा हमारा न्यूमेरिक में है। तो अगर आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, मतलब कौन सा डाटा पहले देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे भी आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्राइटेरिया मिल जाएंगे, इनमें से आप चूज कर सकते हैं, साथ ही में आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स भी मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एडवांस तरीका जिसकी मदद से यहाँ पे न्यूमेरिक फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको नंबर फिल्टर का, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन। तो जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं ग्रेटर देन में, मतलब आप देखना चाहते हैं जिनकी एज 50 से ज्यादा है वाला डाटा आप देखना चाहते हैं, तो जस्ट मैंने यहाँ पे 50 लिखा, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा आ ही रहा है, प्रेस करेंगे ओके, तो आप देखेंगे जिनका डाटा आपका एज 50 से ज्यादा था वो सारा आपका डाटा यहाँ पे आ गया है। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने डाटा को फिल्टर करना है अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जॉब टाइटल लिखा है और डिफरेंट यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखी है, और इन डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली हम अपने डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपने जॉब टाइटल में और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सॉर्ट ए टू जेड एंड सॉर्ट जेड टू ए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं अगर आपने डाटा को सॉर्टिंग करनी है। डेट में आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट था और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट था, लेकिन जब आप यहाँ पे फिल्टर कर रहे टेक्स्ट के फॉर्म में तो आपको यहाँ पे दिए दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ ही में आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं डाटा सीनियर मैनेजर का, तो जस्ट मैं इस डाटा पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट ऑल में, आपका डाटा यहाँ पे अनसिलेक्ट हो जाएगा, और जस्ट मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर पे टिक कर देता हूँ, प्रेस करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे आपका सारा डाटा सीनियर मैनेजर का यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। इस रंग से दोस्तों अगर आप सिलेक्ट ऑल पे अगेन क्लिक करेंगे ओके प्रेस करेंगे तो सारा डाटा अगेन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको काफी सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप चाहते हैं जितना भी डाटा जो सीनियर से शुरू हो रहा है वो आपको दिखे, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे बिगिन विद का, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप कौन सा डाटा सर्च करना चाहते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया से शुरू हो, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे हमारा डाटा जो SR डॉट से शुरू हो रहा है वाला डाटा हमें दिखे, तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे SR डॉट लिखा और प्रेस किया ओके, तो जितना भी डाटा आपका यहाँ पे सीनियर लिखा था आगे वो सारा डाटा आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर का यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मल्टीपल वे में या मल्टीपल क्राइटेरिया में कैसे अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों अगर आपने दो क्राइटेरिया लगाने हैं एज के हिसाब से और टेक्स्ट के हिसाब से, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाटा देखना चाहता हूँ अपने सीनियर मैनेजर का, तो जस्ट मैं यहाँ पे अपना सीनियर मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओके प्रेस किया, तो आपका यहाँ पे सीनियर मैनेजर का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके साथ मैं देखना चाहता हूँ जिनकी एज 50 से ज्यादा है वाले सीनियर मैनेजर यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो जस्ट मैं एज पे क्लिक करता हूँ, नंबर फिल्टर पे जाता हूँ और ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ, और जिनकी एज 50 से ज्यादा जस्ट मैं यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे जितना भी डाटा आपका यहाँ 50 से ज्यादा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और साथ ही में जिसमें आपने फिल्टर लगाया है उसके आगे देखिए फिल्टर का यहाँ पे आइकन भी दिख जाएगा, मतलब आपको पता रहेगा कि आपने फिल्टर यूज किया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे मल्टीपल वे में या मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से भी फिल्टर लगा सकते हैं अपने डाटा में। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने डाटा जो फिल्टर किया है उसको एक शीट से दूसरे शीट में कॉपी करना है तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये वाला डाटा है, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये वाला डाटा हमारा फिल्टर हुआ हुआ है, मतलब यहाँ पे देखिए रो 2 है और नेक्स्ट रो हमारी रो 15 है, मतलब बीच में रोस हमारी बिल्कुल भी हाइड हुई हुई है, मतलब फिल्टर हुई हुई है। तो उसके लिए दोस्तों जस्ट मैं अपने डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे शुरू पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, तो आपका पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल सी से यहाँ पे कॉपी करता हूँ,
कॉपी करने के बाद एक नई वर्कशीट ओपन करता हूँ और इस डाटा को हमने पेस्ट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे भी मैंने पेस्ट करना है और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। कुछ डाटा देखिए अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कॉलम की विड्थ आपकी कम है, तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे कॉलम के यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए डाटा आपका डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। वैसे यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ तो जिस भी डाटा की एडजस्टमेंट करनी है आप डबल क्लिक कर सकते हैं और वो वाला डाटा या वो वाला कॉलम आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा आपके कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंगली। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल शीट्स बनानी है जो भी आपने डाटा फिल्टर किया है तो आप इजिली कॉपी पेस्ट करके अपने डाटा फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो और ऐसे ही आप सीखना चाहते हैं एमएस एक्सेल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो देखिए दोस्तों हमारा एमएस एक्सेल का बिगनर कोर्स लॉन्च हो गया हमारी वेबसाइट पे जो कि क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश.in, लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे ही हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको एमएस एक्सेल से रिलेटेड ये वाला कोर्स मिल जाएगा जो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में लॉन्च हुआ है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। तो जैसे आप इस कोर्स में एनरोलमेंट कर लेंगे आपको एमएस एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगी जिनको स्टेप बाय स्टेप सीख के एमएस एक्सेल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा चाहे आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हो या किसी जॉब के लिए जा रहे हो। तो पूरी देखिए सीरीज अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये वाला कोर्स बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। तो अभी देखिए इस कोर्स में कर लीजिए एनरोलमेंट क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों इस कोर्स में, एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर।